नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं। आपको फोकस करना है अपने पार्टनर के ऊपर और लाइक ज़रूर करना है। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर सेंड करना है। कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि वो तो हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि स्टडी में बहुत बिजी हैं या कुछ करना चाहते हैं, कोई एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, कुछ तो तैयारी इनकी चल रही है। कुछ लोग हो सकता है कि आप दोनों के बीच में दूरियाँ बढ़ती ही जा रही हैं और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि आपके पर्सन के स्वभाव की वजह से आप दोनों के बीच में दूरियाँ बढ़ रही हैं। जो दूरियाँ कम होनी चाहिए थी वो दूरियाँ बढ़ती जा रही हैं। अब यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि इसके खुद के थॉट्स आप दोनों के बीच में दूरियाँ लेकर आ रहे हैं। देखो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग की बहुत कमी है। इस इंसान को जो एनर्जी यहाँ पर आ रही है, सेल्फ रियलाइजेशन की कमी है, अंडरस्टैंडिंग की कमी है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते कि आपके पर्सन आपको कहीं इनवाइट करना चाहते हैं या किसी सेलिब्रेशन में इनवाइट करना चाहते हैं। कुछ तो ऐसी एनर्जी है कि वो कहीं तो आपको इनवाइट करना चाहते हैं और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि उनके घर में कोई शादी हो सकती है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि हो सकता है कि आपने बहुत कोशिश की थी इस इंसान की नाराज़गी को दूर करने की, लेकिन ये जो इंसान है बहुत अकड़ू हो सकता है, आपकी कोई बात नहीं मानता है। हो सकता है कि दूसरों की बातों में जल्दी आ जाता है इंसान। इस इंसान के लिए पराये है, उनकी बातें मानता है, उनकी बातें सुनता है और आपकी बातों को सुनना चाहिए, आप पर विश्वास करना चाहिए, तो ऐसा होता नहीं है। किसी किसी के लिए ये इंसान बहुत मटेरियलिस्टिक है, ठीक है, पैसा, एक लग्जरियस लाइफ, हो सकता है कि इसके पीछे बहुत भाग रहा था इंसान और इस इंसान ने आपको पीछे छोड़ दिया। या इस इंसान को ऐसा लग रहा था कि बस अब वही सब कुछ है, इसके लिए पैसे को सब कुछ मान रहा था इंसान। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं। इस वक्त की अगर एनर्जी देखी जाए ना गाइस, तो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते कि इस इंसान को जो पाना था, किसी किसी के लिए हो सकता है कि वो इसने हासिल कर लिया है, ठीक है। चाहे इसको कोई जॉब पाना था, किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि वो जॉब पा लिया है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे रह सकते हैं बड़े जोरों शोरों से तैयारी शुरू है इनकी कि उनको कुछ हासिल करना है, कुछ पाना है, तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। किसी किसी के लिए ऐसी एनर्जी है कि बड़ी चिड़चिड़ाहट हो रही है आपके पर्सन के अंदर कि उनको जो चाहिए वो मिलता नहीं है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि इनको ऐसा लगता है कि इनको ना रिश्ते में सफलता मिली है ना इनके लाइफ में सफलता मिली है। तो इस इंसान को लगता है कि अब कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे उनको वो सक्सेसफुल होना है, सफलता हासिल करनी है, कुछ पाकर दिखाना है, खुद को साबित करना है। कोई जिद हो सकती है आपके पर्सन की। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं इस इंसान को सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा है, खुद पर विश्वास नहीं है, ठीक है। और जो खुद पर विश्वास नहीं है, इस वजह से ये इंसान कुछ पाते पाते, मतलब उसका काम होना ही होता है, उसी वक्त कुछ ना कुछ ऐसी गलती कर देता है कि वो बना बनाया काम भी बिगड़ जाता है। इसके सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहे हैं। इस इंसान का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। इंसान ने इतना घमंड नहीं करना चाहिए, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन कुछ तो लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके पर्सन में बड़ा घमंड है। इसने हर वक्त अपने घमंड में आकर हो सकता है दूसरों को बहुत नीचा दिखाया या आपको बहुत नीचा दिखाया। इतना घमंड नहीं होना चाहिए इंसान में। इंसान का घमंड इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते कि इसके घमंड ने ही कुछ बातें खराब कर दी हो आप दोनों के रिश्ते में। ये इंसान आपसे प्यार करता है, ठीक है, ये बात तो सही है, ठीक है, कि वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन दूसरे ही पल वो इंसान इतना घमंड करने लगता है या इतना उसको गुस्सा आ जाता है कि वो जो कुछ भी करता है आपके लिए, चाहे इसने कुछ वक्त दिया हो आपको, चाहे आपके लिए कोई भलाई का काम किया है, लेकिन वो जो बोलता है ना घमंड में आकर, सारा पानी फिर जाता है उसके ऊपर। फिर उस काम को कोई कीमत नहीं रहती है जो ये इंसान आपके लिए करता है। वो बोल के दिखाता है। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन ये घमंड ऐसा है कि अच्छे अच्छे रिश्तों को तोड़ देता है, खराब कर देता है। और वही यहाँ पर कुछ एनर्जी ऐसी है कि बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि इस इंसान के घमंड ने शायद इस रिश्ते को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, खराब कर दिया है। अभी भी वक्त है, इस इंसान ने संभलना चाहिए। देखो जो घमंड करता है उसका अंत बहुत बुरा होता है। इंसान ने वक्त पर संभालना चाहिए खुद को। किसी किसी के लिए आपको इस इंसान ने बहुत टेंशन, होता ना कि मेंटल पेन बहुत दिया है। कुछ लोग यहाँ ऐसे हो सकते हैं। अगर ब्लॉक कर दिया है तो आपके पर्सन आपको अनब्लॉक कर सकते हैं। शायद अब तक वो जो बोल नहीं पा रहे थे, हो सकता है कि अब वो बोले। कुछ लोग यहाँ ऐसे हो सकते हैं कि जो एक्शन वो नहीं ले रहे थे आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, तो वो एक्शन ले सकते हैं। इस इंसान ने ना बड़े समझदारी के साथ इस रिश्ते में बैलेंस करने की बहुत ज़रूरी है, जो कि होता नहीं है आपके पर्सन से। अभी इस वक्त भी अगर एनर्जी देखी जाए तो इस इंसान का दिल आपके लिए धड़कता है। इस इंसान के दिल में आज भी आप रहते हो, लेकिन इसके जो विचार है ना बिल्कुल मैच नहीं करते आपके साथ। आप पूरब हो तो ये इंसान पश्चिम है, आप पूरब की तरफ चलते हो, ये इंसान पश्चिम की तरफ चलता है। बहुत ज़्यादा विरोधाभास है यहाँ पर दोनों के विचारों में। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आप दोनों के जो विचार है वो बिल्कुल भी मैच नहीं होते हैं। और जो विचार मैच नहीं होते हैं तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं। हो सकता है कि आप हमेशा ही इस इंसान के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करते आए हो। आपने हमेशा इस इंसान को वक्त दिया, इस इंसान को समझने की कोशिश की, लेकिन इस इंसान की तरफ से वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। इस इंसान ने ना कभी आपको समझा है, ना कभी इस इंसान ने आपकी वैल्यू को समझा है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि आपने अपना बहुत टाइम लगाया है इस रिश्ते पर। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते कोई टेडी वगैरह इस इंसान ने गिफ्ट किया है या आप पसंद करते हो, ऐसा हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते आपके पर्सन कोई हीलर हो सकते हैं, दूसरों को हील करते हो सकता है किसी किसी के साथ ऐसा रिजल्ट करेगा कि ये वाइस वर्सा है। आप कोई हीलर हो सकते हो, कोई डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा हो यहाँ पर, कोई डॉक्टर की प्रैक्टिस कर रहा हो यहाँ पर। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे कि ये जो इंसान है आपका पर्सन, ये खुद के ही निगेटिव विचारों के जंजीरों में फंसा है और उस जंजीरों से इस इंसान को छूटना बहुत ज़रूरी है। जैसे इस इंसान ने खुद को ही कैद कर लिया है अपने निगेटिव थाट्स में, और उस निगेटिव थाट से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस इंसान के खुद के नेगेटिव थॉट्स इस इंसान को इतना ज़्यादा नेगेटिविटी में लेकर जा रहे हैं कि इंसान ना खुद के ऊपर ट्रस्ट कर पा रहा है, ना आपके ऊपर ट्रस्ट कर पा रहा है। इस इंसान को डर लगा रहता है कि आप उनका साथ दोगे कि नहीं दोगे। ऐसे लोग हो सकते यहाँ पर कि सब कुछ ठीक है, लेकिन इस इंसान की ओवर थिंकिंग की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, इस इंसान के नेगेटिविटी की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, और इस इंसान में जो घमंड है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। कुछ लोग आप ऐसे हो सकते कि जैसे कोई दो ऑप्शन के बीच में आपका पर्सन फंसा हुआ है। पैसा कमाना चाहते हैं, रिच बनना चाहते हैं, बिग ड्रीमर हो सकते हैं, लेकिन देखो इंसान कितना भी पैसा कमाना चाहे रिश्तों को वो पीछे नहीं छोड़ सकता। लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि इस इंसान ने अपने करियर के लिए आपको पीछे छोड़ दिया और अब इस इंसान को पछतावा होना चाहिए, लेकिन ऐसे कुछ हालत आज तो नहीं दिखाई दे रही है। उल्टा इंसान घमंड में आ रहा है, उल्टा ब्लेम किए जा रहा है, उल्टा खुद को बेकसूर ठहराने की नाकाम कोशिश इसकी जा रही है, जबकि इसको पता है कि आपकी कोई गलती नहीं है। फिर भी इसका घमंड इसको खुद को कसूरवार ठहराने नहीं देता, जबकि पता है कि गलतियाँ की हैं। किसी किसी के लिए हो सकता है कि बहुत लाड़ प्यार हुई है इस इंसान के, और उस लाड़ प्यार ने ही जैसे इस इंसान को बिगाड़ दिया हो। ये इंसान दूसरों की वैल्यू को नहीं समझता, दूसरों की कदर नहीं करता। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हो सकते हैं। मनमानी इसकी बहुत चलती है घर में, तो ये इंसान अपनी मनमानी बाहर भी चलाने की कोशिश करता है या आपके ऊपर भी इसकी मनमानी चलाने की कोशिश करता है, क्योंकि इसको लगता है कि हर बात इसकी मानी जाती है तो आप भी मानोगे। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं। ये इंसान खुद ही आपसे बातें छुपाता है। ये इंसान फिर खुद ही इसको डर लगता है कि पता नहीं आप क्या बोलोगे जब आपको पता चलेगा। कुछ लोग आप ऐसे हो सकता है कि जो बात इसने आपसे झूठ बोला है, जो बातें छुपाई, अब उसको एंजाइटी हो रही है। कुछ लोग, बहुत कम लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा। हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते में अगर झगड़े होते हैं ना, तो सबसे पहले आप ही इस इंसान से बात कर लेते हो। ये इंसान खुद होकर आपसे बात नहीं करता है, हमेशा आपको झुकना पड़ता है, हमेशा आपको बात करनी पड़ती है खुद होकर। हो सकता है कि इंसान दिल का बुरा ना हो, लेकिन इस इंसान के जो स्वभाव है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो। आप नहीं जानते कि अब आगे क्या होगा, आपको लगता है कैसे इसको हैंडल करें, इसके ईगो को कौन संभाले। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे कि बिल्कुल विरोधाभास है आप दोनों में। आप एक ऐसे इंसान हो जो इस इंसान की कद्र करते हो, इस इंसान के हर वक्त केयर करते हो, प्यार करते हो, एक माँ की तरह इसका ख्याल रखते हो, और ये इंसान है कि अपने ही धुन में रहने वाला, अपने ही घमंड में रहने वाला ईगोस्टिक पर्सन हो सकता है किसी किसी के लिए। और इस वक्त अगर आपके पर्सन का हाल देखा जाए तो मिस तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि खुद होकर बात नहीं करना चाहते। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि इंसान बात करेगा, ठीक है, दिल से बात करेगा, लेकिन कब करेगा, जब आप खुद होकर बात करोगे। ऐसा हो सकता है कि अगर आप इस इंसान से कांटेक्ट करें तो आपको समझ में आए कि इंसान तो खुद तड़प रहा था आपसे बात करने के लिए। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं, क्योंकि इस इंसान को रिजेक्शन का बड़ा डर लगता है। इस इंसान को लगता है कि अगर आप रिजेक्ट कर दे तो फिर उसका तो इंसल्ट हो जाएगा, अगर आपने कुछ कह दिया तो फिर उसका तो इंसल्ट हो जाएगा। किसी किसी के लिए इंसान कोई ऑनलाइन काम करते हो या ऑनलाइन ज़्यादा रहते हो, सोशल मीडिया का एडिक्शन हो सकता है किसी किसी के लिए। आपके पर्सन कोई जॉब करते हो, किसी किसी के लिए हो सकता है कि वो जॉब ढूंढ रहे हो। कुछ ओवर थिंकिंग तो चल रही है। आने वाले समय में आपके पर्सन कोई एक्शन ले सकते हैं आपके लिए। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं कि जिस तरह से आप एनर्जी हैं, आपके पर्सन गहराई से आपके बारे में सोच रहे हैं। किसी के लिए हो सकता है कि जैसे कुछ बातें हिडन हैं अभी भी, कुछ सडनली कोई बात सामने भी आ सकती है। किसी किसी के लिए हो सकता है कि कोई बात इस इंसान को मन ही मन खाए जा रही है, कोई बात वो आपसे शेयर करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं। हो सकता है कि वो सही समय का इंतज़ार कर रहे हो सकता है कि उनको डर लगता हो कि आप गुस्सा हो जाओगे, आप नाराज़ हो जाओगे अगर वो कुछ बातें आपसे शेयर करेंगे, ऐसी जो बातें जो आपसे छुपाई गई हो सकता है कि इसने बहुत दिखावा किया हो, और अब इस इंसान को लगता है कि कुछ बातें आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है इस रिश्ते में अगर आगे बढ़ना है तो। इस इंसान को खुद भी लगता है कि हालात बदलना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो इस रिश्ते को लेकर हो, चाहे इनके खुद के लाइफ में हो। चेंज आपके पर्सन खुद चाहते हैं, हालात को बदलना चाहते हैं, और ऐसा होगा, बहुत जल्द ऐसा होगा कि हालात बदलेंगे। अभी आपके पर्सन बहुत बेचैन हैं, आपको मिस भी करते हैं, लेकिन बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि खुद वो आपके कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो, ऐसे भी नज़र आ रहा है, क्योंकि वो खुद आपसे बात नहीं करना चाहते, वो आपके कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि उनको डर लगता है कि कहीं उनको रिजेक्शन ना मिले। कुछ लोग आप ऐसे कि पुरानी यादों में बहुत खो रहे हैं आपके पर्सन। कार्ड से जानते हैं क्या हाल है उनका। एक कार्ड हमें यहाँ पर मिल चुका है। आपके पर्सन बड़ा हेल्पलेस एंड होपलेस सा फील कर रहे हैं। इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि जो इंसान को हमेशा सपोर्ट की आदत थी, हो सकता है किसी किसी के लिए कि पहले तो इनका परिवार इनको बहुत सपोर्ट कर रहा था, ठीक है, लेकिन आजकल इस इंसान को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम इस इंसान को खुद को महसूस हो रहे हैं। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। पर्सन को जो परिवार है वो उनकी हर बात मानता है, उनकी हर जिद को पूरा करता है, ठीक है, और यहाँ पर जो एनर्जी आई है, ऐसा हो सकता है कि आजकल ये इंसान बहुत अकेला पड़ गया है। आजकल इस इंसान को ऐसा लगता है कोई साथ नहीं दे रहा है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके पर्सन गिव एंड टेक चाहते हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जो उन्होंने दिया है वो आपने उनको लौटाना चाहिए, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई पैसों का लेन देन हुआ है आप दोनों के बीच में, ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं। आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते, ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। आपके पर्सन को बहुत लेफ्ट आउट सा फील हो रहा है। आपके पर्सन बड़े चिंता से घिर चुके हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं जो इंसान ने अब तक घमंड दिखाया है, जैसे इस इंसान को कोई लेसन दिया है यूनिवर्स ने। बहुत हेल्पलेस सा फील कर रहे हैं। आपका सपोर्ट चाहते हैं, आपकी मदद चाहते हैं आपके पर्सन। किसी किसी के लिए ये कुछ इमोशनल सपोर्ट की बात चाहते हैं, या किसी किसी के लिए कोई फाइनेंशियल हेल्प चाहते हैं आपसे। बहुत ज़्यादा अकेला पड़ गया है ये इंसान। इस वक्त की एनर्जी अगर देखी जाए तो वो अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं। एक मैजिकल अपॉर्चुनिटी जैसे कि आने वाली है, जो इस इंसान को रिसीव करना बहुत ज़रूरी है। चाहे यूनिवर्स कहे, चाहे स्पिरिट कहे, कोई कोई मैजिकल अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है इस रिश्ते में। टू वे अबंडेंस है यहाँ पर, गिविंग एंड रिसीविंग है। अगर कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम थे तो उसमें से आपके पर्सन निकल जाएंगे बाहर, या कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था तो वो उसमें से भी बाहर निकल जाएंगे, वो कमिटमेंट दे सकते हैं। हो सकता है आपके पर्सन चैरिटी वगैरह करते हैं, आप इस इंसान को कुछ लव वाइब्रेशन भेज रहे हो तो वो रिसीव कर पाएंगे। अब तक अपने हार्ट को ब्लॉक कर दिया था, हो सकता है इंसान भला क्या है बुरा क्या है समझ नहीं पा रहा था, क्या गुड है क्या राइट है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि कुछ गिफ्ट मिल सकता है आपको बहुत जल्द, आपकी नाराज़गी को दूर करने के लिए आपके पर्सन कोई गिफ्ट खरीद सकते हैं आपके लिए। ग्रैटिट्यूड शो करेंगे आपके पर्सन, अगर वो अब तक आपको बिल्कुल वैल्यू नहीं दे रहे थे, आपने जो इस इंसान के लिए किया है उसके लिए वो थैंकफुल नहीं थे, तो यहाँ पर एक ग्रैटिट्यूड की एनर्जी है। हो सकता है कि कुछ दो ऑप्शन भी आपके पर्सन के पास हो, यहाँ पर चॉइस करने का वक्त है, इस इंसान को अब चॉइस करनी पड़ेगी। अब और वो इंतज़ार नहीं कर सकते और आपको इंतज़ार नहीं करवा सकते। यहाँ पर यूनियन दिखाई दे रही है, यहाँ पर रिलेशनशिप के बारे में बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है। आपके पर्सन आपके पास लौटने वाले हैं, वो नहीं रह सकते आपसे दूर, ठीक है, वो आपके पास लौट कर आएंगे। किसी किसी के लिए आपके सोलमेट हो सकते हैं। आपके पर्सन ने जो बाउंड्री सेट कर दी थी, हो सकता है इंसान ना खुद आपके पास आ रहा था ना आपको खुद के पास आने दे रहा था, आपके पर्सन अब आपके पास आ सकते हैं, बहुत ऐसे चांसेस हैं। यहाँ पर यूनियन की एनर्जी है, मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ऑनेस्टी दिखाएंगे आपके पर्सन। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं, कुछ डिज़ायर है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा आपके पर्सन आपके करीब आने की कोशिश करेंगे, वो इतना ज़्यादा आपको मिस करेंगे। यूनियन, यहाँ पर यूनियन दिखाई दे रही है। आपके पर्सन अब वो और आपसे दूर नहीं रह सकते और वो अब आपको इंतज़ार करवा नहीं सकते। तो बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि भले ही इंसान थोड़ा इगोस्टिक है, भले ही इंतज़ार लगा रहे हो, लेकिन जब आएंगे तो हमेशा हमेशा के लिए आएंगे, क्योंकि यहाँ पर यूनियन है। जाएगा तो भी रह नहीं पाएगा, घमंड कितना भी दिखाए, लौट कर तो आपके पास ही आना है इसको, और ये बात ये इंसान खुद भी भली बात ही जानता है। मेजर लाइफ चेंजेस डेफिनेटली, जिस तरह से अपना जो है मेजर लाइफ चेंजेस है यहाँ पर। जो वक्त है आपके लाइफ में, यही वक्त है कि आपके लाइफ में बहुत बड़े बड़े बदलाव आएंगे, आपके लाइफस्टाइल में चेंज आने वाला है। जब तक आप कहीं और शिफ्ट हो जाए, कुछ बदलाव आएगा और बहुत ही खुशियाँ लेकर आने वाला है। ऐसा नहीं कि कोई नेगेटिव चेंज है, ये नहीं, बहुत ही पॉजिटिव मेजर लाइफ चेंज। आपके लाइफ में कुछ ऐसे बदलाव आएंगे कि आपकी ज़िंदगी पूरी चेंज होकर रहेगी, और वो भी पॉजिटिव चेंज। जो ट्रबल थे, जो परेशानी थी, जो अटकाव थे, अब सब कुछ निकल जाएगा और अब बहुत ही स्मूथली किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकल कर एक बड़ी ब्यूटीफुल शुरुआत आपकी ज़िंदगी की होने वाली है। तो ये कुछ एनर्जी यहाँ पर आई है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली रीडिंग में।